अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब खैर खैरियत से होंगे और अपने घरों में हिफाजत से होंगे। आज मैं आपको एक चैलेंज दे रही हूँ, ठीक है ना? एक ये चैलेंजिंग वीडियो है, आप इस सीरम को यूज़ करें और इसका आप 100% 110% आपको इसका रिजल्ट मिल जाएगा। ठीक है जी, चलते हैं रेमडी की तरफ। हमने सबसे पहले 2 किनो लेने हैं, ठीक है ना? अगर आपको खाने का दिल कर रहा है तो आपने इसका छिलका उतारने के साइड पे रख लेना है और आपने इसको खा लेना है, ठीक है जी? हमने सिर्फ छिलके के साथ इसका जो सीरम है, हमने इसको छिलके के साथ लेना है, ठीक है? जो इसका वाइट आ रहा है वो कम आए, क्योंकि वो हमारे लिए ना यूज़फुल है ना हार्मफुल है, तो आप कोशिश करें कि इसका वाइट पार्ट कम ही आए, ठीक है? आपने इसको छील लेना है, दोनों ही आपने इसको छील के इसको आपने एक किसी एक शीशे के जार में ना आपने इसको डाल के रख देना है, ठीक है ना? अगर आप ओवरनाइट रखेंगे तो भी बेस्ट है, अगर आपको जल्दी है, आपने ये सीरम बहुत जल्दी बनाना है तो आपने करना क्या है, इसको हल्की आंच पे ना थोड़ी देर के लिए पकने देना है, ठीक है ना? जैसे इसका कलर थोड़ा चेंज हो जाएगा, देन आपने इसको चूल्हे में से उतार लेना है, ठीक है? इसके इतने ज़्यादा बेनिफिट हैं और ये आपकी स्किन को ब्राइट करता है और एक्ने को दूर भगाता है। इससे आपकी स्किन में क्लैरिटी आती है, ये आपकी स्किन को एक टून में करता है। कहीं से कोई आपकी स्किन कहीं से वाइट हो रही होती है और कहीं से गड़े गड़े से बन जाते हैं जो एक टून में नहीं नज़र आती, तो ये सीरम आपकी स्किन को एक टून में करेगा, आपसे इसकी डिस्कलरेशन दूर करता है, आपकी स्किन बिल्कुल साफ हो जाती है। ये सब मैंने जितने भी फ़ायदे बताए हैं ये सारे ही मुमकिन हैं इस विटामिन ई सीरम से। ये इंतहाई ही आसान है, आपके सामने मैं बना रही हूँ, ठीक। ये आपकी स्किन को मॉइस्चराइज करेगा, ये आपकी स्किन को डिहाइड्रेट करेगा, ये आपकी स्किन को क्लियर करेगा। ये इतने सारे फ़ायदे हैं और ये सारे के सारे खूबियाँ इसमें हैं। आज अभी हम एक मास्क बनाएंगे इसी सीरम के साथ। आपने इस करना क्या है, इस सीरम का हाफ पार्ट आपने अलग कर लेना है, किसी बर्तन में डाल के अपने 2 चम्मच इसमें मैदे के डालने हैं, ठीक है जी? मैदे के डाल 2 चम्मच, ठीक है? मैदा डालने के बाद एक चुटकी हल्दी की कीमत तुम क्या जानो? नहीं, बहुत सारी इसकी कीमत है। हमने एक चुटकी हल्दी डाल दी है, ठीक है? और हम इसको मिक्स करेंगे और एक पेस्ट बना देंगे जो हमारी स्किन को ग्लो करेगा। ये जो मास्क है इंतहाई मुफीद है हमारी स्किन के लिए, इंतहाई। आप एक बार इसको ज़रूर यूज़ करें, ठीक है जी? इसको यूज़ करने, ठीक है, आपने ये यूज़ कर लिया, देन आते हैं सीरम की तरफ, ठीक है ना? इसका जो बाकी जो हिस्सा हमने बचा के रखा था हमने सीरम वाली बोतल में डाल लेना और डेली रात को सोते वक्त हमने इसको लगाना है, ठीक है ना? ओवरनाइट के लिए हमने इसको लगा के छोड़ देना है, क्योंकि रात के वक्त हमारी स्किन बेयर होती है, तो हम लोग स्किन पर आप कुछ ना कुछ ऐसे सीरम या होममेड क्रीम जरूर यूज़ किया करें अगर आपकी स्किन में कोई भी मसला है तो।